ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो ठीक है, आज फिर हम जो है चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, थ्री डी टाइम डायमेंशन ज्योमेट्री। ठीक, तो क्या होता है क्वेश्चन जो है, फाइंड द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूड ऑफ द परपेंडिकुलर फूड ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड द कोऑर्डिनेट फूड ऑफ द परपेंडिकुलर जोन बिटवीन जोन बिटवीन ड्रॉन बिटवीन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट कौन सा पॉइंट ए 1.0.3 टू द ज्वाइन एट द पॉइंट 4.7 टू द ज्वाइन फ्रॉम द पॉइंट 4.7 एंड 3.5 ज्वाइन पॉइंट 4.7 क्या ज्वाइन टू द पॉइंट 4.7 एंड 3.5 4.7 इसको होल कर लो एंड 3/3 ये क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए 1.0 बी 4.7 एंड डी एंड सी 3/5 ये थी है मान, ठीक है, थ्री से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। इट मीन्स दैट डी इज द फूट फॉर द परपेंडिकुलर दैट डी इज द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर और ये जो बी सी को किसको बी सी को बी सी को जो है डिवाइड कर रहा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ये बी सी को ये डिवाइड कर रहा है इसे इसको बी सी को डिवाइड कर रहा है लेट डी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड डिवाइड एंड लेट डी एंड डिवाइड ऑफ बी सी बी सी को डिवाइड कर बी सी इन द रेशियो लैम्डा स्क्वायर ये यहाँ पे ये पॉइंट है इसको ये डी को ये करा है और यहाँ ए है तो प्रूव कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट फूट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट और ये इस पॉइंट से टू द इवन ज्वाइन इट इज इसको इसको जो जो कर रहा है तो ये भी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी है ए डी क्या है परपेंडिकुलर टू बी सी है मान लिया अच्छा जब इसे कर रहा है तो देन इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर क्या आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी जैसे टी के क्या है यहाँ 4.7 इसके क्या है 3/3 टी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं हुए टी के 1.0 ठीक है निकालने वही है और इसको जो है लैम्डा वन की रेशियो में जो है डिवाइड कर रहा है लैम्डा वन की रेशियो में डिवाइड कर रहा है क्या आएगा 3 लैम्डा + 4 क्या आएगा 3 लैम्डा ये जगह 3 लैम्डा + 4 अपॉन
लैम्डा फोर प्लस वन, ये क्या जाएगा यहाँ पे, 5 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा अपॉन प्लस वन, जाएगा 5 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस वन, ये लैम्डा 2 1 की दिशा में डिवाइड कर रहा है नहीं है, तो ये इसके है, तो ये क्या आएगा, इधर क्या आएगा, ये 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस वन, क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस वन, और गिवन है ये कि मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी जो ए डी है ये परपेंडिकुलर, इसके जो है ए डी क्या जाएगा यहां से, ए डी जैसे ये है 3 लैम्डा प्लस 4, 3 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस ए, ये 1 आ जाएगा, इसमें क्या आएगा 5 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस बी, ये क्या आ गया 3 लैम्डा, यानी 2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस वन, ये क्या आ गया 5 लैम्डा प्लस, ये कितना आएगा, और अब ये क्या आएगा भैया, ये चीज 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, तो ये क्या आएगा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये आ गया, ये ए बी जो आ गई। अच्छा सिमिलरली बी सी, सिमिलरली ये तो ए डी के आ गए, सिमिलरली बी सी, बी सी क्या जाएगा, ये बी सी क्या जाएगा 4 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1 1, फिर क्या जाएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 कितना जाएगा 2, तो ये डी कितना जाएगा 1 माइनस 3 -2 -2, जब इसके जो है ए डी परपेंडिकुलर है तो इसके जो क्या है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू बचा रहे, सी वन सी टू क्या हो जाएगी, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 क्या जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 2 लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 लैम्डा प्लस 5 मल्टीप्लाई 7, 5 लैम्डा प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन दोनों की जो है 2 लैम्डा प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 5 लैम्डा प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई -2, इसको सोल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 5 लैम्डा प्लस 7 माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस आएगा, सी हाँ 2 2 लैम्डा प्लस 10 लैम्डा प्लस 14 -2 -2 प्लस के 4 इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 10 लैम्डा, 2 लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 10 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 14, क्या आ गया 14 लैम्डा, 3 प्लस 4 कितना आ गया 17, 17 प्लस 4 7 17 4 21 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, 14 प्लस लैम्डा इक्वल टू, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया यहां से, लैम्डा इक्वल टू -21 अपॉन 14, 7
आगे माइनस थ्री अपॉन टू, लैम्डा इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू आर। क्या गई दस और दो बारह, क्या आएगा दस दो बारह आएगा, यानी बारह लैम्डा इक्वल टू फोर्टीन प्लस 71 आगे लैम्डा माइनस 21 अपॉन 12 तो 7 अपॉन 4, क्या आगे माइनस के 7 अपॉन 4 है, माइनस के लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया माइनस के 7 अपॉन 4। और अब इसमें लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखूंगा, अब इसमें इसमें सॉल्व इसमें रखूंगा लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखूंगा, इसमें रखूंगा किस में क्या है ये पॉइंट है, लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखूंगा मैं यहाँ रखूंगा इन पॉइंट में, लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखूंगा यहाँ रखूंगा। पहले क्या पॉइंट है ये थ्री लैम्डा प्लस फोर क्या है थ्री लैम्डा कोऑर्डिनेट ऑफ डी, थ्री लैम्डा प्लस फोर अपॉन क्या है थ्री लैम्डा प्लस फोर अपॉन लैम्डा प्लस वन, लैम्डा की वैल्यू कितनी है माइनस सेवन अपॉन फोर थ्री इंटू माइनस सेवन अपॉन फोर प्लस फोर अपॉन माइनस सेवन अपॉन फोर प्लस वन, क्या आ गया इक्कीस माइनस पांच बटे चार अपॉन माइनस के तीन बटे चार, चार में चार गया क्या गया पांच बटे तीन, क्या गया। अब दूसरी क्या है कि पाई लैम्डा प्लस सेवन अपॉन लैम्डा प्लस सेवन, पाई लैम्डा प्लस सेवन अपॉन लैम्डा प्लस सेवन वन, पाई लैम्डा की वैल्यू फिर कितनी है माइनस सेवन अपॉन फोर प्लस वन प्लस सेवन अपॉन माइनस सेवन अपॉन फोर प्लस फाइव, ये क्या आ गया पैतीस माइनस अट्ठाईस चार सत्तर अट्ठाईस चार सत्तर पैंतीस माइनस सेवन अपॉन फोर अपॉन माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस के थ्री अपॉन फोर इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री, सेवन अपॉन थ्री इससे रहेगा। अब क्या है थ्री लैम्डा क्या है थ्री लैम्डा प्लस वन, थ्री लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई थ्री इंटू माइनस सेवन अपॉन फोर प्लस वन, माइनस सेवन अपॉन फोर प्लस वन इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन प्लस फोर माइनस के सेवनटीन अपॉन फोर इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन फोर, माइनस के थ्री अपॉन फोर माइनस से माइनस आएगा क्या आएगा सेवनटीन अपॉन थ्री, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए है वाई बाई थ्री सेवन बाई थ्री और सेवनटीन बाई थ्री, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, वही बात हुई दैट इज टू द कोऑर्डिनेट ऑफ ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ठीक है आई सुनने वाली देखो क्या था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए ए इतना है ज्वाइनिंग टू जो बी सी, बी सी को ये जो ज्वाइन कर रहा है तो मान लीजिए जो बी सी को ये मान रहा है बी सी को जो ज्वाइन कर रहा है लेट दैट इज द पॉइंट इज डी, लेट इज द पॉइंट डी इज ये परपेंडिकुलर है लेट, अगर ये चाहिए डी के परपेंडिकुलर गिवन दिया है गिवन दैट इज द परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर देन बी दैट इफ वी हैव ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो and then their dot product will be zero means AD vector dot BC is equal to zero. If AD is perpendicular to BC, then their
डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विल बी जीरो। ये पढ़ेगा ना कि ये कभी भी उसका ही होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इस परपेंडिकुलर है देन थीटा इक्वल टू 90। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90, कॉस 90 भी है, कॉस 90 इक्वल टू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई फॉर एनी नंबर वी हैव द जीरो, बी इक्वल टू जीरो। इफ वी have two vectors are perpendicular then their yes two lines then they will be zero। तो इसमें जो है दोनों के डीसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आप तो क्या निकाल लेंगे इसकी लेंथ की वैल्यू निकाल, ठीक है। और ये बढ़े एक और आगे बढ़ते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट drawn from the point 2, 3, 4 drawn from the point 2, 3, 4 to the line 4-x to the line 4-x/2 is equal to y/6 is equal to 1-z/3. Find the length of the perpendicular drawn from the इतने पॉइंट से और इस लाइन पे। Find the length of the perpendicular। तो इस length of the perpendicular निकालनी है। किससे निकालनी है? मान लें ये कोई लाइन है। मान लें क्या है? ये कोई लाइन है, ये है एलिंग लाइन है, ये इस पॉइंट ये पी ये है, ये क्या है मान लिया इसकी जो है ए ए कोई पॉइंट है, जो ए क्या है, ए पॉइंट है, ए क्या पॉइंट है 2, 3, 4, इसकी जो मुझे ए पी निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, वी हैव कैलकुलेट द ए पी, और ये कोई एल कोई लाइन है, ये कोई एल लाइन है, फाइंड द ए पी, फाइंड द ए पी निकालनी है, ठीक। लेट लिखेंगे लेट पी बी, वही माने पी बी एनी, लेट पी बी एनी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, पी बी एनी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेट पी बी एनी परपेंडिकुलर, लेट पी बी एनी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, किस लाइन का, टू द गिवन लाइन, एक ये गिवन लाइन है एल, एक और टू द गिवन लाइन, टू द गिवन लाइन, टू द गिवन लाइन का गिवन लाइन एल का, इसके मान लीजिए एल लाइन है, ये गिवन लाइन क्या है, ये आ गया 4-x/2 इक्वल टू y-6/1-z/3। मान लीजिए के नंबर है, दैट इज कॉल्ड इन के, दैट इज कॉल्ड इन के, तो वी दैट इट मीन 4-x/2 इक्वल टू के, x इक्वल टू क्या आ गया, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 4-2k, x इक्वल टू 4-2k, सिमिलरली y/6 इक्वल टू k, इज इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 6k, सिमिलरली 1-z
अपॉन थ्री इक्वल टू के इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू वन माइनस थ्री के, जेड इक्वल टू वन माइनस थ्री के। ठीक, ये कोई पॉइंट आ गए। अच्छा, जो अच्छा पी के जो कोऑर्डिनेट है, लेट जो ये लाइन पे, अगर पी इस लाइन पे वो कर रहा है, पी इस लाइन पे है, तो इसके पी के जो कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे फॉर द वैल्यू ऑफ के, ये पी के क्या हो जाएंगे, ये हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी कौन कौन से रहेंगे, फोर माइनस टू के, कौन कौन से रहेंगे, एक तो ये हो गए एक्स की वैल्यू, कहां जा गई एक्स की वैल्यू, ये एंड दिस, फोर माइनस टू के कोमा सिक्स के कोमा वन माइनस थ्री के कोमा, दैट इज ये द पॉइंट आ गए, इसके दो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आ गए जो इसके हैं। अच्छा, और इसके डायरेक्शन ऑफ, अगर इसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी निकाल लें, क्या जिसको पहले निकाल लेते डायरेक्ट, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी लिखेंगे, डी आर एफ ऑफ एपी, ये डी आर एफ ऑफ एपी डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी, ए क्या है, ए है टू थ्री फोर, और ये क्या है, पी क्या है, पी क्या आ गया, फोर माइनस टू के सिक्स के माइनस के, तो क्या आ गया, फोर माइनस के, फोर माइनस टू के माइनस टू, कितने आ जाएंगे, फोर टू के माइनस टू, इस तरह फोर टू के माइनस टू, सिक्स के माइनस ए के कहा है, इसमें दिखा रखे है माइनस थ्री, वन माइनस थ्री के माइनस के फोर, अपने अपने से ये माइनस कर दिया, डी आर से जी निकाल लेते मैंने, ये क्या आ जाएंगे, फोर माइनस टू के, फोर माइनस टू के माइनस टू सिक्स के माइनस थ्री एंड वन माइनस थ्री के माइनस के फोर, दैट इज दिस, ये आ गए डी आर एल ऑफ एपी, इट मीन्स ये, इट मीन्स क्या आ गए, फोर फोर करके माइनस टू के प्लस टू सिक्स के माइनस थ्री, दैट सेम, ये क्या आ गया, माइनस थ्री के माइनस थ्री, ये आ गए डी आर एफ ओ सी पी, डी आर एफ ओ ए पी आ गए। अच्छा, इसके जो लाइन है, ये लाइन, इसके लाइन के डी आर एफ कितने हो गए, गिवन लाइन डी आर एफ, गिवन लाइन डायरेक्शन रेशियो, गिवन लाइन डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन डी आर एफ ऑफ लाइन एल, एल के डायरेक्शन रेशियो क्या आ गई है, माइनस टू, यहां पे क्या आ गया, माइनस टू सिक्स और थ्री आ गई है डायरेक्शन ऑफ लाइन एल के, तो एल के लिए डायरेक्शन रेशियो होंगे। अच्छा, और जो एपी है वो जो है इस पे एल पे परपेंडिकुलर है, एपी क्या है, गिवन है ए, मतलब तुमने मान के ए सी यू, ए पी इज परपेंडिकुलर टू एल, ए पी इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर एल, ए पी ए परपेंडिकुलर एल है, तो इसके जो है इनके ये मल्टीप्लाई, ये डी आर क्या होना चाहिए, इक्वल मल्टीप्लाई क्या है, ए पी डॉट क्या आ जाएगी, जीरो जीरो आ जाएगी, जैसे पहले करा था मैंने, क्या आ जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा, माइनस टू के प्लस टू मल्टीप्लाई टू प्लस सिक्स के मल्टीप्लाई सिक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये क्या आ जाएगा, माइनस टू के प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स के माइनस थ्री प्लस सिक्स सिक्स के माइनस थ्री आएगा भाई, सिक्स के माइनस के थ्री, ठीक है।
थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई प्लस थ्री मल्टीप्लाई प्लस थ्री मल्टीप्लाई थ्री माइनस के। और ये यहाँ के माइनस टू आ गया, सिक्स आगे आएगा माइनस थ्री, क्या आएगा ये भी माइनस थ्री आएगा। ठीक, देखो अब इसकी क्या करा, अब इसकी माइनस में मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, क्या आ जाएगा यार, माइनस माइनस प्लस फोर के माइनस फोर प्लस सिक्स के, क्या आएगा सिक्स के थर्टी सिक्स के, क्या आएगा थर्टी सिक्स के माइनस थर्टी सिक्स के माइनस एटीन माइनस माइनस प्लस नाइन के प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। ये कितना आ गया, फोर के थर्टी सिक्स के क्या आ गया फोर्टी, फोर्टी एंड नाइन फोर्टी नाइन के, फोर्टी नाइन के फोर्टी फोर प्लस थर्टी फोर्टी फोर्टी नाइन के क्या आएगा माइनस फोर प्लस एटीन, क्या आ गया माइनस के फोर्टीन प्लस नाइन, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस फोर प्लस एटीन माइनस के ट्वेंटी टू, माइनस के ट्वेंटी टू माइनस के ट्वेंटी टू प्लस के नाइन क्या आ गए थर्टीन, क्या आ गए थर्टीन आ गए, क्या आ गए माइनस के थर्टीन, फोर्टी नाइन के इक्वल टू माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट के इक्वल टू थर्टीन अपॉन फोर्टी नाइन। अगली के की वैल्यू आ गई, क्या आ गई है के की वैल्यू आ गई। अच्छा अच्छा अब जो है अब इसकी लेंथ हो गई एपी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एपी की जब आ गई दिया का स्क्वायर क्या है लेंथ हो गई एपी, ये तो आ जाएगी इसका क्या आ गया दी है। अब के की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई के की वैल्यू थर्टीन अपॉन फोर्टी नाइन। अब यह लेंथ ऑफ द एपी एपी या कहते वी है एपी वी है एपी, यानी एपी का क्या आ जाएगा एपी इक्वल टू हू क्या आएगा ये फोर क्या है फोर माइनस टू के माइनस टू, फोर माइनस टू के माइनस टू यानी टू माइनस टू के, यानी कि टू माइनस टू के प्लस टू माइनस टू के प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया फोर माइनस टू के माइनस टू, आगे क्या आ गया सिक्स के माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये सिक्स माइनस थ्री का सिक्स के माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस का स्क्वायर है तो दोनों का प्लस का स्क्वायर आ गया थ्री के प्लस थ्री का होल स्क्वायर, कर देंगे इसको भैया इसको सोल्व किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या आ गए चार के स्क्वायर प्लस चार माइनस चार के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस चार के इस पे क्या आ गया प्लस थर्टी सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन माइनस छत्तीस के प्लस नाइन के का स्क्वायर प्लस नाइन प्लस एटीन के प्लस के क्या आ गया एटीन चार के स्क्वायर छत्तीस के स्क्वायर चालीस के स्क्वायर प्लस के फोर्टी नाइन के स्क्वायर क्या आ गया तो फोर्टी नाइन का चार के स्क्वायर थर्टी फोर्टी नाइन के स्क्वायर ये क्या देगा प्लस के थर्टीन सिक्स के, अच्छा ये नौ छह ठीक है
माइनस के 4 के है, माइनस के 36 प्लस माइनस के 4 के है, माइनस 30 माइनस 40 माइनस 4 माइनस के 40 प्लस के 22 के क्या आएगा, प्लस के 22 के प्लस के 22 के प्लस के 4 प्लस के 9 13 13 प्लस के 4 प्लस के 17 ये आ जाएगा। और ये सारा रूप में भी चल रहा है, ये भी सारा रूप में चल रहा है। और 4K के की वैल्यू क्या निकाल दीजिए हमने, 13/49 13/49 की वैल्यू रखूंगा, के की वैल्यू आठ के आएगा, दो चार दुनी आठ के क्या जाएगा, ये आठ के ये क्या 36 और ये 44 26 के आएगा। अब के की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, के की वैल्यू रखूंगा 40, के की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, के की दैट इज कॉल्ड के की वैल्यू क्या है, 13/49 तो के की वैल्यू क्या आएगा, 49 मल्टीप्लाई इधर है 13/49 का स्क्वायर प्लस 26 मल्टीप्लाई 13/49 प्लस 17/49 इसको ये मल्टीप्लाई करिए, सोल्व कर दूंगा, दैट इज वैल्यू ही गेट फॉर्म इसका ये सॉल्यूशन गया, कटिंग वटिंग करके नॉन डेटा निकाल लो, देख सोल्व करो उसको क्या आता है भैया, देखो सोल्व करो उसको जल्दी से। क्या इसका आंसर भैया, तो आंसर आएगा 909/49 तो 9 का क्या आएगा, 3 आएगा, 3/7 का इधर 101 दैट इज आर्ट कार्ड 3/7 101 ठीक आई बात में आगे बढ़े। नेक्स्ट है टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन देखो मान लीजिए जैसे कि कोई थ्री डायमेंशनल फिगर है, ये है जैसे
ये क्यूब है, ये क्या है, ये सही है, सही है। ये लाइन है, एक तो ये लाइन है, एक लाइन जो है इनसे होके जा रही है दोनों से, ये दो लाइन है, क्या है, देर आर टू लाइन, देर आर टू ये तो ये कोई लाइन है, ये दो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, मान लिया डी डी बी, और ये क्या है डी सी, ये ठीक नहीं बनता, ये क्या है डी बी और ये क्या है जी सी, ये अगर ये इस तरह की दो लाइन है, इनको इनको लाइनों कहते हैं नॉन कोपलेनर, नॉन कोपलेनर, टू लाइन विच हैव, टू लाइन विच हैव नाइदर इंटरेस्टिंग नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, नॉर पैरेलल, नॉर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल आर कॉल्ड, एच पेयर इज कॉल्ड नॉर, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल इज कॉल्ड नॉन कोपलेनर, और नॉन नॉन कोपलेनर, नॉन कोपलेनर और क्या है स्क्यू लाइन, क्या है दो लाइन है, दो लाइन है जो जो है ना तो यह इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, नॉन जो है नॉन पैरेलल होते हैं, और जो है ना तो पैरेलल हो, उससे क्या कहते हैं नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल इज कॉल्ड द कोप्लेनर और स्क्यू लाइन, ठीक है। मान लीजिए ये इधर को जाएगी, इधर को इस तरह की, दैट इज कॉल्ड टू द क्या कहते हैं नॉन कोप्लेनर और इंटरसेक्टिंग लाइन। अब था क्या था, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन कोप्लेनर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन कोप्लेनर लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन कोप्लेनर लाइन। जैसे मान लिया पहली होती है वेक्टर फॉर्म में, पहले क्या है वेक्टर, पहले क्या है वेक्टर फॉर्म में, एक मतलब दो होते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म होती है, एक क्या होती है वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन, एक होती है कार्टेशियन फॉर्म, एक क्या होती है वेक्टर फॉर्म, एक क्या होती है ना वेक्टर फॉर्म, ये दो लाइनर है इस तरह की है ये, ये कोई दो लाइन है, इनकी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो, मान ली ये उसी की शॉर्टेज डिस्टेंस, ये जहां तो दोनों परपेंडिकुलर आती है, ठीक, ये निकालनी है इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस, ये मान ली ये तो डी सी है, ये बी ए है, ये डी सी है, ये क्या है बी ए है, और इनकी जो शॉर्टेज डिस्टेंस है मान ली स्मॉल डी है, इसकी क्या है स्मॉल सी है, ये बी का वेक्टर है, ये बी है, ये क्या है इसका, ये बी है, ये ठीक, ये ए है, तो ए का वेक्टर है, सी पे सी का वेक्टर है, ये
इसकी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है मान लीजिए इसकी एल एम, ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, बी डी, बी डी ए माइनस सी क्या आएगा, बी वेक्टर, बी वेक्टर, डी वेक्टर ए माइनस सी ए, तो फॉर्म क्या आएगा, बी डी ए माइनस सी अपॉन बी क्रॉस डी, क्या आएगा, बी क्रॉस डी का ए आएगी वेक्टर फॉर्म। ये बी ये रहा है, डी ये रहा है, ए का ये लाइन ये है, सी ये रहा है, बी ए बी क्रॉस डी ये आएगी वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगी, मान लिया दो लाइन है, जो पहली लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स माइनस ए वन अपॉन बी वन, वाई माइनस ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री, ये है। दूसरी जो लाइन है एक्स माइनस क्या आएगा, एक्स माइनस सी वन, ये सी वन, इसके लिए सी वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू एक्स माइनस सी वन वाई माइनस डी टू अपॉन वाई माइनस सी टू अपॉन डी टू इज इक्वल टू जेड माइनस सी थ्री अपॉन डी थ्री। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये एक्स माइनस ए वन क्या आएगी, एक्स माइनस ए वन सी वन माइनस डिस्टेंस निकाले, सी वन माइनस ए वन क्या आएगी, यहां से सी वन माइनस ए वन, सी वन माइनस ए वन, सी वन माइनस ए वन, सी टू माइनस ए टू क्या आएगी, सी टू माइनस ए टू, सी थ्री माइनस ए थ्री, फिर क्या आएगी बी वन बी टू बी थ्री क्या आएगी, बी वन बी वन बी टू बी थ्री, नीचे आएगा डी वन डी टू डी थ्री, नीचे क्या आएगा डी वन, और भी लिखना है ना थोड़ा छोटा लिखिए, बी वन डी टू बी थ्री, नीचे आएगा डी वन डी टू डी थ्री अपॉन 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 क्या आएगा, आई जे के, आई जे के यार इधर आई जे के बी वन बी टू बी थ्री, डी वन डी टू बी वन बी टू बी थ्री, डी वन डी टू बी थ्री, और ये देखो भाई ये क्या है कि ये जो दो लाइन नॉन कॉम्प्लीमेंट की शॉर्टर डिस्टेंस है, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, पहले जो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस टी बी थी, और दूसरे क्या थी आर इज इक्वल टू ए प्लस टी डी, यानी टी प्लस डी, टी प्लस डी, टी प्लस टी डी, ये दो फॉर्म आई थी है, आर इज इक्वल टू क्या जाइए R इक्वल टू ए प्लस टी बी, आर इक्वल टू सी प्लस टी डी, ठीक है भैया, ये आ गई, ये आ गई कार्टेशियन। अच्छा तो इसकी क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म होगी बी डी ए माइनस सी अपॉन बी क्रॉस डी, ये फॉर्म ले जाएगा ये। ठीक इसी तरह से अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये थी, ये कोई लाइन थी, ये है आर इक्वल टू ए प्लस सी डी, आर ये दूसरी लाइन थी आर इक्वल टू सी प्लस टी डी, इसकी वेक्टर फॉर्म होगी है बी डी ए माइनस सी बी क्रॉस डी। अच्छा अब ये मान लिया ये लाइन बी ए की है, ये लाइन क्या है बी ए है, बी ए की जो ये
इक्वेशन है एक्स माइनस ए वन अपॉन बी वन, वाई माइनस ए टू अपॉन बी टू, जेड माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री। इसकी लाइन की डी सी की क्या आ जाएगी, एक्स माइनस सी वन अपॉन डी वन, वाई माइनस सी टू अपॉन डी टू, जेड माइनस सी थ्री अपॉन डी थ्री। इसकी शॉर्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगी, सी वन माइनस ए वन, सी वन माइनस के ए वन, सी टू माइनस ए टू, सी थ्री माइनस ए थ्री, वी वन बी टू बी थ्री, वी वन अपॉन डी टू बी थ्री। इसकी जो है ये डिटेंशन करके इसकी वैल्यू निकाल देंगे, इसकी है शॉर्टेज स्टैंड। ये वेक्टर फॉर्म आ गई, ये क्या आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई, ये इसकी क्या आ गई इसकी कार्टेशियन से शॉर्टेज डिस्टेंस आ गई, ठीक है। ये सारा ही ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो ये है ना, ये इसकी छोटे डिस्टेंस मान ली क्या होगी, यहां होगी ये डी, यहाँ क्या होगी ये डी, ये बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए माइनस सी अपॉन बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, ये आएगी और ये इसकी ये आएगी, ठीक है। तब आगे बढ़ो, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो नॉन कोपलेंस की थी, अगेन डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, मान लें ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये कोई दो लाइन है, ठीक। ये तो L1 है, ये क्या है L2, ये L1 है, ये क्या है L2, ये इसकी ये है वो थ्री पी है, मान ली ये क्या है पी पी है, ये फिर क्या है ये टी पे जो है ए टू वेक्टर है, ये मान ली यहां कोई एस है, एस पे जो वेक्टर है ए वन, ऐसे क्या है वेक्टर ए, इसके साथ एंगल के साथ ये जो है थीटा कोण बना रहे हैं, क्या बना रहे, ये जो है परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ ये थीटा ये बन रहा है, आर वेक्टर है, आर वेक्टर बराबर है ए वन प्लस लैम्डा बी, आर वन इक्वल टू क्या है ए वन प्लस लैम्डा बी, ये उसको बी है, तो आर टू बराबर आर बराबर फिर दूसरा आई और आर बराबर ए टू प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये की लैम्डा वेक्टर है, इसकी क्या हो जाएगी डी इक्वल टू वेक्टर पी टी का मोड, ये पीटी का मोड रहेगा, इसकी जो छोटे डिस्टेंस होगी पीटी का मोड रहेगी, बी इक्वल टू पी टी इक्वल टू बी क्रॉस, या क्या कहते हैं बी क्या आएगी बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन क्या आएगी बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन ये इसकी वैल्यू निकालनी, क्या आएगा बी टू माइनस ए टू माइनस ए
इतनी है शॉर्ट डिस्टेंस मान लीजिए डी है तो ये डी मिल जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या आएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या ये बी क्रॉस अगर हमने एक लाइन गिरी है एल वन है एक गिरी है एल टू है एक पहले का वेक्टर एल इक्वल टू आर इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा वन है आर इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा बी है तो इसकी छोटे डिस्टेंस डी इक्वल टू क्या जाएगी बी क्रॉस ए टू माइनस वन मोल्स मोल बी ठीक है भाई जैसे अब एक सवाल करते हैं क्या सवाल है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो है एक्स माइनस वन अपॉन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू वाई माइनस फोर अपॉन फोर इक्वल टू जेड माइनस फाइव अपॉन फाइव ये कोई इक्वेशन है एक्स माइनस वन अपॉन टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री जेड माइनस थ्री अपॉन फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर अपॉन फोर इक्वल टू जेड माइनस फाइव अपॉन फाइव आल्सो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आल्सो अच्छा ये इनकी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है क्या निकालनी है इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है लिखेंगे लेट अगर मान लिया पहली लाइन से लेट अगर कोई पहली लाइन से कोई पॉइंट है इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन पहली मान लिया कोई पहली लाइन से कोई पॉइंट है पहली लाइन जो है इसके पास ही कोई पॉइंट हो रहा है इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन और जब ये इसके पास ही हो रहा है तो ये इसके बाद हो जाएगा तो ये इसके कोऑर्डिनेट के क्या है वन टू थ्री ये पास हो रहा है तो इससे भी इससे पास हो रहा है और इससे क्या है ये पैरेलल भी है इसके पास हो रहा है तो उससे क्या होगा ये पैरेलल भी होगा ये क्या होगा पैरेलल होगा तो इसका वेक्टर क्या होगा पैरेलल टू वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर क्या आ जाएगा ये ए आई प्लस टू जे प्लस थ्री जे क्या जाएगा ए आई यानी टू आई क्या जाएगा ये आई किसके किसके पैरेलल आ जाएगा ये 2i प्लस 3j प्लस 3k क्या है 2i प्लस 3j प्लस 3k इसे आ गया 2i प्लस 3j प्लस 4k क्या रहेगा यानी कि इसका जो है क्या रहेगा ai प्लस bj प्लस 3k ये भी पैर इसके इक्वल 2i प्लस थ्री जे प्लस फोर के अच्छा लाइन मान लीजिए ये तो पहली लाइन है एक्स वन और दूसरी जो लाइन के है जो दूसरी लाइन जो पॉइंट है वो है एक्स टू वाई टू जेड टू टू दूसरी लाइन जो पास पास हो रहे हैं पॉइंट वो किसके होंगे टू फोर फाइव क्या है टू फोर फाइव क्या जगह टू फोर फाइव टू फोर फाइव टू फोर फाइव इससे क्या जाएंगे थ्री आई यानी इसके क्या जाएंगे ए या ए वन आई प्लस बी वन जो ये क्या जाएगा ए टू जे प्लस बी टू जे दूसरी लाइन है प्लस सी टू के इज इक्वल टू टू आई थ्री आई प्लस फोर जे क्या जाएगा
थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, इसने दिया थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के। ये मान लिया इसके जो पॉइंट है ये तो है फर्स्ट लाइन की है, पास ऑफ फर्स्ट लाइन, पास ऑफ फर्स्ट लाइन, ये क्या है पास ऑफ सेकंड लाइन, पास ऑफ सेकंड लाइन, ये क्या है पास ऑफ सेकंड लाइन। तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन क्या आएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ये क्या एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू और ये सी टू, ये अपॉन आई जे के क्या आ गया फॉर्मूला, वो आई जे आई जे के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू और ये सी टू, आई जे के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू। अच्छा इसकी वैल्यू रख देता हूं मैं, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू यानी कि टू माइनस वन, टू माइनस वन वन, फोर फोर माइनस टू टू, फाइव माइनस थ्री कितना आ गया टू, क्या आ गया देखो टू माइनस वन क्या आ गया इक्वल टू वन, वन फोर माइनस टू टू, ये क्या आ गया फिर फाइव माइनस थ्री ये टू आ गया, ए वन ए वन की वैल्यू है टू थ्री फोर, क्या है टू थ्री फोर, ये कितना है, बी टू की वैल्यू कितनी है टू थ्री फोर, बी टू की थ्री बी वन बी टू थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव, अपॉन आई जे के टू थ्री फोर थ्री फोर फाइव, ये आ गए थ्री फोर फाइव। अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई है वन टू थ्री थ्री फोर फाइव, इसकी क्या आ गई है, ये आ जाएगी फाइव फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन, क्या आ जाएगी बोलो फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई वन माइनस टेन माइनस सेवन, टेन माइनस सेवन प्लस टू एट माइनस नाइन इंटू टू वन माइनस, ये क्या आ जाएगी ये क्या आ जाएगी फाइव टेन टेन माइनस वन प्लस, क्योंकि देखो ये क्या आ जाएगा अगर मान लिया ना आई प्लस जे प्लस की आ जाएगी, तो इसका क्या वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये देखो ये है दो रूट है, तो ये आ जाएगा क्या है रूट थ्री, अब ये आ जाएगा रूट थ्री, फिर देखो उसको क्या आ जाएगा आंसर,
अवश्य पंद्रह तो हाँ, किसके ऊपर आ जाएगा, किसके ऊपर ऊपर फॉलियर क्या आ जाएगा, इसको वन, इसके ऊपर फॉलियर क्या आ जाएगा वन, नीचे क्या आएगा रूट थ्री, तो क्या आएगा वन अपॉन रूट थ्री, क्या आएगा ये वन अपॉन रूट थ्री क्या आएगा, हाँ ठीक है, आया कितना क्या आएगा वन अपॉन रूट थ्री, क्या आएगा वन अपॉन रूट थ्री, आई बात नहीं भाई। तो ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्म है, एक सवाल हो रही डिटरमाइन वेदर, डिटरमाइन वेदर, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटरमाइन द फॉलोइंग वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट और नॉन इंटरसेक्ट और नॉन, ये क्या कहना है कि ये जो डिटरमाइन है ये जो है फॉलोइंग और जैसे क्या है, एक इक्वेशन है ये आई आर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस लैम्डा टू आई प्लस के एक और है आर इक्वल टू टू आई माइनस जे प्लस न्यू आई प्लस जे माइनस के, ठीक
की अच्छा ए वन की लेट ए वन क्या आ गया, मान ए वन इक्वल टू क्या गया, आई माइनस जे, आई माइनस जे, ए टू कितना आ गया, टू आई माइनस जे, बी वन कितना आ गया, टू आई प्लस के, और बी टू कितना आ गया, आई प्लस जे माइनस के, बी टू कितना आ गया, आई प्लस जे माइनस के। इसके लिए क्या आ गया, अगर ये इसकी वैल्यू निकालूंगा भाई, आप क्या निकालो, ए टू माइनस ए वन बी वन बी टू, क्या की वैल्यू निकालूंगा, ये ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ये क्या आ गया, बी टू बी वन माइनस बी टू, क्या आएगा, बी वन बी टू, इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, ये क्या आएगी इसकी वैल्यू भैया, इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए टू माइनस ए वन, यानी क्या आएगी, टू माइनस वन, टू माइनस वन, माइनस वन प्लस वन, और जीरो है, क्या आएगा, टू माइनस वन वन, टू माइनस वन वन, माइनस वन प्लस वन जीरो, और ये जीरो, फिर क्या है, जी वन, जी वन क्या है, टू वन टू जीरो वन, इसमें क्या है, जे जे जीरो है, जे जीरो है, टू जीरो वन, क्या आएगी, टू जीरो वन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी टू की आई जे के वन वन माइनस वन, क्या आएगी, वन माइनस वन 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 माइनस वन, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, देख लेंगे आ रही थी वैल्यू, निकाल लो उसकी वैल्यू क्या आ गई, क्या माइनस वन, ठीक है, माइनस वन, हैन दा, ये क्या है, ये नॉट इक्वल टू जीरो, हैन द गिवन लाइन आर नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज दिस वैल्यू इज नॉट जीरो, हैन द गिवन नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, आगे बात सुनिए, अगर ये पता करना है कि दो लाइनें इंटरसेक्ट है या नहीं है, ये दे रखा है, तो इसकी डिटरमिनेशन है, ए टू क्या निकालेंगे, ए टू माइनस ए क्या निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन बी वन बी टू की वैल्यू क्या निकालेंगे, डिटरमिनेशन है, अगर जीरो आ गई तो कहते हैं कि फंक्शन यू है वो, नहीं तो इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक्स, कल मिलते हैं।